और बड़ी खबर लखनऊ से आ रही है, जहां पर ऊर्जा मंत्री एके शर्मा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। बता दें कि ओटीएस योजना को लेकर ऊर्जा मंत्री एके शर्मा ने प्रेस वार्ता की है। यूपीपीसीएल चेयरमैन आशीष गोयल भी इस दौरान प्रेस वार्ता में मौजूद रहे। ओटीएस योजनाओं में अभी 9 दिन बाकी हैं। बता दें कि 37.60 लाख लोगों को अभी तक लाभ मिला है। एके शर्मा ने प्रेस वार्ता में इसका जिक्र किया। उन्होंने कहा कि बिजली विभाग को 4000 करोड़ का राजस्व मिला है, 15.50 करोड़ राशि की जनता को छूट भी मिली है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं इस वक्त लखनऊ से, जहां पर ऊर्जा मंत्री एके शर्मा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। ओटीएस योजना को लेकर ऊर्जा मंत्री एके शर्मा ने ये प्रेस वार्ता की है। यूपीपीसीएल चेयरमैन आशीष गोयल भी इस प्रेस वार्ता में इस दौरान मौजूद रहे। 70 लाख लोग ऐसे हैं जिनके FIR हुए थे, RC कटी थी या प्राधिकरण किसी प्रकार की समस्या में फंसे हुए थे, ऐसे लोगों को भी लगभग 376 करोड़ रुपया, 450 करोड़ रुपया जो है छूट देते हुए, जैसा कि मैंने बताया था 65% छूट थी शुरुआत में, फिर बाद में 50 चल रही, तो उसमें लगभग 376 करोड़ रुपया जो है उन लोगों को, बल्कि उनको छूट ज़्यादा मिली है, हमें कम मिला है 163 करोड़ उन उपभोक्ताओं से, क्योंकि 65% छूट थी तो आप समझ सकते हैं कि 2/3 छूट में चला गया और 1/3 ही सरकार को मिलना था, तो उस हिसाब से उनको ज़्यादा छूट मिली है। उसी प्रकार अगर हम कैटेगरी वाइज बात करें तो इस जो 37 लाख की हमने बात किया उसमें सबसे बड़ी संख्या जो है वो घरेलू उपभोक्ताओं की, वो भी जिनका भार जो है, लोड जो है बहुत कम होता है, जिनको LMB 1 कहते हैं, जिनका 1 किलोवाट तक का जो कनेक्शन का भार होता है, ऐसे 33 लाख 38 हज़ार लोगों ने इस योजना का लाभ लिया है।